चले भाई, अब इसकी छत बनाते हैं। तो इसकी छत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, एक शेप ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके हमने इस शेप को कुछ इस तरह से रख लेना है, ठीक है। अब इसकी छत का जो स्टाइल है वो ऐसे बनेगा कि पहले हम ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से शिफ्ट का बटन दबा के ये एंकर और ये एंकर दोनों सेलेक्ट करेंगे और इसको इस तरीके से आगे कर देंगे। फिर हम सिलेक्शन टूल लेंगे, इसको इस तरह से ला के इस पर सेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये वाला जो पोर्शन है इस पर क्लिक करके थोड़ा सा इसको ऐसे करके कम करेंगे। सही है, समझ में आई या नहीं आई समझ में? तो इस तरह से देखेंगे तो आप इसका जो छत का मॉडल है वो थोड़ा आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो ये देखें, छत का मॉडल इसका क्लियर हो गया। अब क्लिक करने के बाद क्या करना है, आगे आपने एक और शेप लेना है और यहाँ से क्लिक करके उस शेप को ऐसे ड्रॉ कर देना है। इसमें इसको थोड़ा सा लाइट रेड कलर दे देता हूँ मैं, ये वाला, और इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको एक थोड़ा सा डार्क रेड कलर देंगे, अभी फिलहाल यही वाला दे देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको शेप दे देते हैं। उसके बाद क्लिक करके ये वाला शेप उठा के हम इसके यहाँ पे इस तरीके से रख देते हैं, ठीक है। रखने के बाद यहाँ रख देंगे, इसके कॉर्नर टू कॉर्नर मिला देंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसके इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको उठा के इस तरीके से रख देंगे। जब इसको इस तरीके से रख देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक करके इसको ऊपर दे देंगे यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आगे दे देंगे इसको इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा मामला सेट हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद ये वाला कोना थोड़ा बाहर जा रहा है, अगर इसमें थोड़ा सा मजीद काम करने की जरूरत है तो यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ क्लिक करें यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा और आगे कर लें। देखिए, अगर मामला बिगड़ते नहीं है, सही लग रहा है, और थोड़ा सा अगर नीचे लाने की जरूरत है तो नीचे भी नहीं आया इसको इस तरीके से, तो मेरा ख्याल है कि ये सही लग रहा है, मेरा ख्याल है, ठीक है ना। इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस पर राइट बटन दबा के इसको कर देंगे ब्रिंग फ्रंट, ताकि ये इसके आगे आ जाए। तो राइट बटन दबा के अरेंज में ब्रिंग फ्रंट कर देंगे, ये इसके आगे आ जाएगा और ये इसके पीछे चला जाएगा। इसके बाद क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंगे एड एंकर पॉइंट टूल, क्लिक करके यहाँ पे एक एंकर लगाएंगे पीछे वाले शेप पर, क्लिक करके यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के ऊपर कर देंगे ताकि गैप फिल हो जाए और ये आपको ऐसे पूरा का पूरा लुक दे दे। सही लग रहा है, हाँ, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एच एस बी को ऑन करेंगे, यहाँ से एच एस बी क्लिक करके ये वाला थोड़ा डार्क कर देंगे। आप देखिए कैसा लग रहा है, सही लग रहा है। तो ये तो बन गई इसी छत। अब छत के ऊपर लगेगा डिजाइन, लगे तो सही छत है या नहीं, ये मकान जो है ना, ये पाकिस्तान में नहीं है मकान, ये अमेरिका में है भाई। बारिश होगी, उनके पास तो सिस्टम होता है ना भाई, वो सारे सिस्टम वगैरह बनाए हुए होंगे, रोड है, डन्ने जे, अगर बंदा डूब रहा होगा तो एम्बुलेंस आ जाएगी, मोबाइल आ जाएगी, वो पकड़ हेलीकॉप्टर से आके बंदे उठा लेंगे। यहाँ वाले थोड़ी गोली मार के मार देंगे, मतलब भाई चले खुद ही मर जाए, ठीक है ना। तो ये वाला घर जो है वो एक मौसिस जगह पर है, मौसिस जगह पर है जहाँ पे ये ऐसे लोग रहते हैं। हम तो ऐसे लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते ऐसे घर, छत तोड़ के लोग अंदर आ जाएंगे। ऐसा घर शहदादपुर में हो, पता पड़ा रात को सो रहा है, छत तोड़ के अंदर आ गया बंदा, किधर से आया है, झपकट बारकट, अरे बाबा दे रहा हूँ। तो ऐसे इलाकों के घर है जहाँ पे लोग सही सुकून से रह जाते हैं। अब पैटर्न इसके ऊपर कैसे डालेंगे, एक डिजाइन डालने के लिए, ईंटों का पैटर्न डालने के लिए हम इसके ऊपर एक डिजाइन बनाते हैं ईंट का। क्लिक करेंगे यहाँ पे, इफेक्ट्स में जाएंगे, वार्प में जाएंगे, आर्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके हम ले लेंगे आर्च। इसका 50% रख लें, अगर और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये और तरह का पैटर्न बन जाएगा, ओके कर देंगे। ये एक हमने ब्रिक डिजाइन बनाया है ईंट का। अब लेकिन ये पूरा डिजाइन नहीं है, पूरा जब होगा जब इसको एक्सपेंड करके एक्सपेंड अपीरियंस करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ से और इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर और इसका एक डिजाइन बनाएंगे, बीच में लाइट रखेंगे, डार्क साइड दोनों पे रखेंगे, क्लिक करेंगे। अब डार्क साइड जो हमारे पास है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करके उसको मजीद डार्क कर देंगे, थोड़ा रेड को इस तरह से आगे कर देंगे। इसका एक डुप्लीकेट ले लेंगे जो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ पे कर देंगे और जो इसको सेंटर कर देंगे और क्लिक करके इसको कुछ इस तरह से दिखा देंगे, स्टाइल इसका लीनियर कर देंगे तो ये इस तरह से नजर आएगा। अब ये बीच में नजर आ रहा है इस तरह का कुछ स्टाइल, ठीक है ना। तो दोनों साइड पे एक जैसा कलर है मेरे ख्याल में, फिर भी ऐसे नजर आ रहा है ये, तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं, रेड वाले को थोड़ा सा डालते हैं इसके ऊपर, तो ये इस तरह का एक स्टाइल इस पर बन जाएगा, ठीक है। अगर सही लग रहा है वैसे तो मुझे, ठीक है। अब इसको बनाने के इसको थोड़ा सा और छोटा कर देंगे, इसको छोटा करने के बाद ऐसे रखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, विंडोज में जाके यहाँ से क्लिक करेंगे पैटर्न ऑप्शंस के ऊपर और ये पैटर्न का खुल जाएगा। इसका बनाएंगे पैटर्न, सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे मैक पैटर्न, ओके करेंगे, ये पैटर्न के एडिटिंग मोड में दाखिल हो जाएंगे। ये एक पैटर्न इसने बना के बताया। इसके पास मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न हैं, ऐसा हेक्सा पैटर्न बनाना है या हेक्सा बाई कॉलम का पैटर्न बनाना है, ये देखिए ये भी पैटर्न है इसके पास। और उसके बाद एक है ब्रिक टू ग्रेड वाला पैटर्न, ये वाला पैनल मुझे सही लग रहा है। इसके बाद मैंने इसकी स्पेसिंग को सेट कर लेना है,
यानी कि लेफ्ट एंड राइट की टॉप एंड बॉटम की जो स्पेसिंग है इसको कंट्रोल करके इस तरह से लगा दिए और इसको यहाँ से डन करके बाहर आ गए। जैसे ही डन करके बाहर आ गए क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर आ गए, क्लिक किया और ये पैटर्न आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया इस पैटर्न पे तो ये से अप्लाई हो गया। सही लग रही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा और अच्छा बनाए। असल में होता क्या है कि पैटर्न जब किसी शेप पर हम अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे एक शेप बनाया और उस पर पैटर्न लगाया, तो पैटर्न उस पर अप्लाई होता है और अगर उसके बीच गैप होते हैं तो बीच में ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे बचने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, एक कमांड है जिसका नाम है ऑफसेट। पाथ में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे ऑफसेट के ऊपर, माइनस करके 10 पिक्सल का एक ऑफसेट लेंगे। इससे होता क्या है, अगर आप प्लस करके 10 पिक्सल लेंगे, 15 पिक्सल लेंगे, 20 पिक्सल लेंगे तो वैसा ही शेप उससे बड़ा बन जाएगा, और माइनस करके लेंगे वैसा ही शेप उससे छोटा बन जाएगा। सही है, तो मैं माइनस करके ले रहा हूँ तो एक और शेप बनेगा जो उससे छोटा होगा। ये देखिए बन के इसके ऊपर आ गया, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिसाइजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पे क्लिक करके अब हम इस पे अप्लाई करेंगे ये वाला पैटर्न। तो देखिए अब जब ये वाला पैटर्न अप्लाई करेंगे स्वेचेस में तो क्लिक करेंगे अप्लाई हो गया पैटर्न तो पीछे रेड आ रहा है। अब रेड के साथ हम इस रेड वाले को क्लिक करेंगे और उस पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा और डार्क करेंगे ताकि ये थोड़ा सा इस तरह से नजर आए, ताकि इसके बीच का डार्क का गैप उसमें आ जाए, और इसको मजीद डार्क कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा और उससे डार्क नजर आए, ताकि इस तरह का नजर आ रहा हो। अब इस पैटर्न में अगर ये डिजाइन आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इस डिजाइन को एडिट कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करें उसको डबल क्लिक करें तो आप पैटर्न के एडिट मोड में आ जाएंगे। ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, इसका अगर हम जैसे थोड़ा सा और साइज कम कर लें तो ये साइज छोटा हो कैसा लगेगा, और इसको यहाँ से डन करके बाहर आ जाएंगे तो देखें उस पर ये ऐसा नजर आएगा। ठीक है, फिर अगर और सेटिंग करनी है इसकी तो उस पर डबल क्लिक करके एडिट करें। अब देखें ये कुछ ऐसे नजर आ रहा है, ये दूसरा वाला पैटर्न पे चलेगा, यहाँ से डन करके बाहर आ जाए हमारा वाला पैटर्न, ये इस पर डबल क्लिक करके बाहर आएंगे। अब इसके स्पेस को लेफ्ट एंड राइट के इस तरह से कंट्रोल करेंगे, पर मैं क्या करने लगा हूँ उसको क्लिक करके यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट भी करने लगा हूँ, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे करके रोटेट कर देता हूँ। रोटेट करने के बाद थोड़ा सा इसको ज्यादा रोटेट कर दिया, इसको इस तरह से रखता हूँ ताकि ये इसके हिसाब से थोड़ा बैठ जाए सही तरीके से। ठीक है, अब इनके स्पेसेस को यहाँ से कंट्रोल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनके जो स्पेसेस थे ये तो ऐसे ही रख दिए, और ये वाले जो स्पेसेस थे इनको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से कम कर दिया। ठीक है, और उसके बाद इसको यहाँ से डन किया, तो यहाँ पे डन करने के बाद कुछ इस तरह का मामला आपको देखने में आया। ठीक है, बहरहाल ये अपने तरीके से अपनी जगह पे सेट होगा, लेकिन हम इसके अंदर मजीद और एडिट करते हैं, थोड़ा सा और सेट करने की कोशिश करते हैं। तो दोबारा से यहाँ डबल क्लिक करके एडिट मोड में चले गए। ये इतना खास नहीं था जो अभी हमने इस पर अप्लाई किया, इसको थोड़ा सा और छोटा करके और हमने इसको और थोड़ा सा रोटेशन में सही तरह से रखना है। और इस पर ग्रेड्स जो है ये वाला लगा के देखते हैं। और उसको डन करके देखते हैं तो अब देखें अब ये कुछ पहले से बेहतर इसके ऊपर पैटर्न मालूम हो रहा है। तो इस तरह से मुख्तलिफ पैटर्न्स, मुख्तलिफ डिज़ाइन आप अप्लाई करते रहेंगे और वो इस तरह के डिज़ाइन बनते रहेंगे, जिससे ऐसा एक जाहिर होगा कि इसके ऊपर ये मामला बना हुआ है। लिहाजा इसमें और डिज़ाइन में अगर चेंजेस करने की ज़रूरत है तो आप हर दफ़ा यहाँ से इसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं। अब इसी पैटर्न में हम और भी किस्म के पैटर्न बना सकते हैं, जैसे कि हम मुख्तलिफ रोड के लिए कोई पैटर्न बनाना है या रस्ते के लिए कोई पैटर्न बनाना है, तो इस पे जैसे मैंने एक दो पैटर्न बना के रखे हैं, देखें इस तरह का पैटर्न भी बना सकते हैं, इस तरह का पैटर्न भी बना सकते हैं, इस तरह का पैटर्न भी बना सकते हैं। ये सारे पैटर्न हैं मैंने बनाए जो इसके अंदर रखे गए हैं। आप अपनी मर्जी का पैटर्न बना सकते हैं, जैसे मैंने एक बॉल का पैटर्न बनाया था। अब आप किसी और चीज़ का पैटर्न बनाना चाह रहे हैं तो उसको किस तरह से बनाएंगे, तो पैटर्न बनाते हुए याद रखें कि पैटर्न उस चीज़ को कहते हैं जो एक डिज़ाइन जो बार बार रिपीट होता रहे, हमारी शर्ट्स पर, हमारी पैंट्स पर, हमारे जो बेडशीट्स होती हैं इनके ऊपर भी पैटर्न आ रहे होते हैं। तो कोई भी एक ऐसा डिज़ाइन जो बार बार रिपीट होता रहे हम उसको पैटर्न कह रहे होते हैं। अब पैटर्न हम कुछ भी बना सकते हैं। लेट सपोज अगर हमने यहाँ पर एक इस तरह का पैटर्न बनाना है कि हमने यहाँ से एक हार्ट बना लेते हैं, तो हार्ट बनाने के लिए मैंने राइनबो रेक्टेंगल लिया, इसको इस तरीके से रखा और इस पर क्लिक करके कलर दे दिया सपोज भी, और इसको यहाँ से क्लिक करके फिर यहाँ से एक रिफ्लेक्शन पर रखा ऑल्टर के साथ 45 डिग्री पे, इसको मैंने यहाँ से मूव किया 45 पे नहीं करना। पंद्रह डिग्री पे इसका कॉपी लिया मैंने एक रोटेट करके, और उसकी दूसरी कॉपी मैंने यहाँ से रिफ्लेक्शन लेके
ऑल्टर के साथ यहाँ पे रख के इसकी इस साइड पे ले ली, ठीक है, क्लिक करके यहाँ से इसको हमने इस तरह से लिया, क्लिक किया, यहाँ से शेप बिल्डर ले लिया और ये वाला उड़ा दिया, इसको मिला के एक शेप बना दिया। तो ये एक हमने हार्ट का शेप इसमें से ले लिया, तो इसको इस तरह से हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसी शेप के अब दो चार कलर्स हम बना के और एक पैटर्न क्रिएट कर देते हैं। लेट सपोज एक पैटर्न हम ऐसा बना देते हैं, इसमें एक पे पिंक कलर डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्लिक करके इसके अंदर रेड कलर डाल देते हैं, और क्लिक करके इसको यहाँ पर हम रख लेते हैं सपोज जो भी ऑरेंज कलर डाल देते हैं। अभी इनका कोई एक पैटर्न हम बनाना चाह रहे हैं, तो किस तरह का पैटर्न बनाएं, जैसे सपोज टू बी ये दो ऐसे रख लेते हैं और यहाँ पे इसको घुमा के कुछ इस तरह से रख लेते हैं, ये एक इसके नीचे आ जाता है, एक इसके नीचे आ जाता है। तो ये एक इस तरह का हमने पैटर्न बनाने का माइंड बनाया अपना कि ये इस तरह का एक पैटर्न बनाएंगे। इसको सेलेक्ट करा हमने यहाँ से और यहाँ से क्लिक करके इनको छोटा कर दिया, छोटा करके यहाँ पे क्लिक किया, मेक में गए, पैटर्न ऑप्शंस को खोला और यहाँ से हमने कहा एक नया प्रोडक्ट चाहिए, तो ओके कर दिया न्यू पैटर्न पे। और यहाँ से हमने कहा कि एक न्यू हार्ट पैटर्न है, इसका नाम न्यू हार्ट डिज़ाइन, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से लगा दिया। और उसके बाद यहाँ पे इसका स्टाइल चूज़ करेंगे, इस तरह से लगाना है, ठीक है, तो इस तरह से भी लग जाएगा, और अगर इसको इस तरह से लगाना है तो इस तरह के पैटर्न में भी अप्लाई हो जाएगा। इसका स्पेस बीच का डिस्टेंस वगैरह का यहाँ से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी बेहतर लग रहा है, मुझे लग रहा है ये डिज़ाइन काफ़ी बेहतर है, इसको यहाँ से डन कर देंगे। अब ये डन होके कहाँ पर ऐड हो जाएगा, स्ट्रेचेस के अंदर ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अब किसी भी शेप में आपको ये लगाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको इस शेप में ये डिज़ाइन लगाना है, ठीक है, या आपको जो है एक इसी का हम यहाँ से एक शेप ले लेते हैं ये वाला, और इस शेप में मुझे ये डिज़ाइन लगाना है, ठीक है, तो बहुत क्लिक आसानी से क्लिक करेंगे इस पर, ये देखें अप्लाई हो जाएगा, इस पर लगाएंगे, देख रहे हैं। लेकिन पीछे से ट्रांसपेरेंट हो गया तो उसका तरीका ये है कि पहले इस पर आप एक कलर लगाइए, जैसे कौन सा कलर लगाया हमने, ये कलर लगाया, कंट्रोल सी करें, कंट्रोल शिफ्ट वी करें, पेस्ट इन प्लेस होगा। अब इसके ऊपर आप लगाएंगे तो वो कलर इसके बैकग्राउंड के कलर के ऊपर आ जाएगा, देखा आपने, ठीक है। और इसी तरीके से कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे, पेस्ट इन प्लेस करेंगे, पहले इसमें एक कलर लगाइए, लेट्स सपोज ब्लू कलर लगाया, और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको किया और यहाँ से लेफ्ट एंड राइट टॉप एंड बॉटम सेंटर कर दिया, तो वही कलर इसके बैकग्राउंड में आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका पैटर्न जो है वो इजीली किसी भी पैटर्न को बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और बाद में उसी में कोई चीज़ चेंज करने में भी हो सकता है। लेट्स सपोज हमने इसकी दीवार के ऊपर ये पैटर्न लगाना है, तो उसका तरीका यह है कि पहले आप इसके ऊपर कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करें, लेकिन वो उसके आगे आ जाएगा, ठीक है, आप इसको स्टेप करके पीछे भेजें, स्टेप बैकवर्ड, ठीक है, तो ये पीछे चला गया इसके। अब आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके कोई भी एक पैटर्न, जैसे ये वाला पैटर्न लगाना है, ठीक है, ये वाला पैटर्न लगाना है, देख रहे हैं, ठीक है, और अगर ये नहीं लगाना तो ये वाला पैटर्न लगाना है, ये नहीं तो ये वाला पैटर्न लगाना है, देख रहे हैं, ये नहीं तो अभी हमने जो पैटर्न बनाया ये लगाना है, ठीक है, और ये बॉल वाला पैटर्न लगाना है, ठीक है। तो इसमें एडिट भी कर सकते हैं आप, इसको डबल क्लिक करके, जैसे क्या साइज़ ज़्यादा है तो इस पूरे बॉक्स ब्लॉक का नाम साइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इस तरह छोटा कर देंगे और इनके डिस्टेंस को यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे, ऑटो एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये देखें ऐसे करके यहाँ से डन कर दीजिए, देख रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने काम को और अच्छा उजागर कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, अच्छे अच्छे पैटर्न बना के सेल कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह का पैटर्न लग गया इसके ऊपर, ये वाला इस तरह का पैटर्न लग गया, अब इसको भी थोड़ा सा एडिट कर लेंगे तो ये भी आपका थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। तो इसको हमने थोड़ा सा और छोटा कर दिया और यहाँ पे भी ले जाके इसको ऑटो एडजस्ट कर दिया, और यहाँ से इसका जो डिज़ाइन है वो ब्रिक्स में ले लिया हमने, ये सीधा सीधा लग जाएगा, एग्जाम में लगाइए, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, डन कर दीजिए इसको यहाँ से। तो इस तरह से आप बेहतर किस्म के पैटर्न्स बना के, जो रिपीटिंग डिज़ाइंस हैं उनको आप बना के इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात ये।